मैं ममता सिंह आप लोग की हिंदी टीचर और आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे चैप्टर 6 वचन। आइए देखें व्हाइट बोर्ड की ओर वचन पढ़ेंगे हम लोग। वचन वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। एक किसी वस्तु का एक होना या एक से अधिक होना, जैसे कि एक चिड़िया और बहुत सारी चिड़िया, तो उसे जब एक रहेगी तो एक है और बहुत है तो बहुत सारे हैं। इस तरह से जो इस तरह से एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, माला, बाला इत्यादि जो है वो एक वचन है। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ घोड़ा था तो एक वचन है तो यहाँ हो गया घोड़े, ये बहुवचन हो गया। माला एक वचन था तो मालाएं, ये बहुवचन में हो गया। ध्यान देने योग्य बातें हैं, वचन हमेशा किस स्थान पर किस तरह से बदलता है, किस तरह से उसका प्रयोग होता है। हमेशा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को हम आदर देने के लिए एक होने पर भी अनेक होने का संबोधन करते हैं इत्यादि। इन्हीं सब बातों को यहाँ हम देखेंगे। पहला देखेंगे, कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त तो होते हैं, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। वो कहीं भी प्रयोग होगा लेकिन इसका वचन जो है वो एक ही रहता है। जैसे पानी, इसको कोई नाम तो हम नहीं सकता, इसमें संख्याएं बहुत है, इसलिए पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, जैसे दूध, शहद इत्यादि। कुछ संज्ञा शब्दों को सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में ही। जैसे कि दर्शन, दर्शन ऐसा शब्द है, मुझे आपके दर्शन हुए, ये बहुवचन में प्रयोग होगा। प्राण, आंसू इत्यादि, इसका कोई एक रूप में प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तीसरा टॉपिक है आदर देने के लिए। हमेशा हम अपने से छोटे या बड़े या सामान्य व्यक्ति को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यदि इसको जैसे उदाहरण लिखा हुआ, पिताजी बाहर गए हैं, अगर इसे हम इस रूप में नहीं लिखकर सामान्य रूप में लिखेंगे जैसा वाक्य बनता है एक वचन बहुवचन में, तो पिताजी बाहर गया है, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसको आदर देने के लिए या सही रूप से प्रयोग करने के लिए ही हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि जैसे पिताजी बाहर गए हैं, ये बहुवचन में ही है लेकिन आदर देने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है। वचन की पहचान हमेशा तीन तरह से होती है, एक संज्ञा से, एक सर्वनाम से और एक क्रियापद से। तीनों रूप में संज्ञा, जैसे चिड़िया, यहाँ पर संज्ञा है, चिड़िया उड़ रही है, संज्ञा शब्द है। जहाँ पर चिड़िया लिखा है सामान्य रूप में तो चिड़िया उड़ रही है तो एक चिड़िया है। अगर इस तरह से लिखा रहेगा कि चिड़िया उड़ रही है, जहाँ चतुर्बिंदु का प्रयोग हो गया, तो यानी कि यहाँ पर एक चिड़िया नहीं, बहुत सारी चिड़ियाएं हैं यहाँ पे, बहुत अनेक, ये बहुवचन होने का बताता है। ये एक वचन है और ये बहुवचन है। सर्वनाम, जैसे वह प्रयोग होता है, वह सो रहा है, तो ये एक वचन है। अगर सर्वनाम में उसी का प्रयोग वह की जगह पर कह देंगे कि वे सो रहे हैं तो वो बहुवचन में चला गया। क्रियापद खाया, जैसे कि मोहन ने भोजन खाया है, तो सिर्फ अकेले मोहन ने भोजन खाया है, और अगर हम उसी शब्द में लग देंगे कि उन्होंने भोजन, वे लोग भोजन खाए हैं, खाए जो शब्द है ये बहुवचन का रूप पद में बदल जाता है। इस तरह से वचन को हम तीन रूपों में पहचान सकते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रियापद से। इस तरह से हम संज्ञा को पहचान लेते हैं। पहचानने के प्रक्रिया में और बहुत सारा पहचान होता है जो बुक में दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए, ठीक है। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसे आप स्वयं बनाइए, क्वेश्चन आंसर करिए। थैंक यू।